गुड मॉर्निंग, मैं डॉक्टर सरिता कुमावत आपको आहार एवं पोषण फूड्स एंड न्यूट्रिशन विषय पढ़ा रही हूँ। और फूड्स एंड न्यूट्रिशन में सिलेबस के अनुसार हमारे दो चैप्टर कंप्लीट हो गए। थर्ड चैप्टर स्टडी ऑफ कॉमन फूड्स इन दिनों चल रहा है और आज जो टॉपिक है वो है फल एवं सब्जियाँ, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो हैं वो पेड़ पौधे, इनके कुछ भाग होते हैं, या तो वो उसकी जड़ होती है, तना हो सकता है, फल हो सकता है, फूल हो सकते हैं, या फिर पत्ते हो सकते हैं। मतलब अगर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स अगर हम देखते हैं कि पालक है, मेथी है, वो क्या है, वो किसी भी पौधे के पत्ते का भाग है। या फिर आलू, रतालू, प्याज, मूली, ये जड़ वाला भाग है पौधे का। या फिर जो हम चीकू या फिर आम ये सब खाते हैं, ये उसके फल हैं। और कुछ हम फूल वाले भाग भी खाते हैं, कुछ तने वाले भाग भी खाते हैं। तो जो भी हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स डेली डाइट में लेते हैं वो पेड़ पौधे के कुछ ना कुछ पार्ट्स होते हैं। और फल और सब्जियों में मैं आपको कुछ वर्गीकरण बताऊंगी अभी, क्योंकि ये हमारे आहार नियोजन में भी काम में आएगा और हमारी डेली डाइट में भी हमको इसको ध्यान में रखना चाहिए। जैसे अगर अपन ये कह दें कि हमने आज सब्जियां बहुत सारी खा ली, हरी सब्जी खा ली, और फिर हमने इतिश्री कर ली कि हाँ भाई आज हमने बहुत खा लिया, तो ऐसा नहीं है। या फिर आज हमने बहुत सारा ऑरेंज खा लिया, आज का हमारा कोटा पूरा हुआ फ्रूट्स का, ऐसा नहीं होता है। फल जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक मीठे फल और एक खट्टे फल। मीठे फल जैसे आप उसमें चीकू, केला या एप्पल मान लो, तो जो सुबह खाना चाहिए वो मीठे फल होने चाहिए। ये मैं आहार नियोजन में भी बताऊंगी आपको और ये आपको डेली डाइट में भी ध्यान में रखना चाहिए। तो क्योंकि सुबह भूखे पेट भी होते हैं, एसिडिटी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, गैस बन जाती है, इसलिए मीठे फल हम सुबह खाएंगे, ये मीठे फल हो गए। बाकी जो उसके अलावा जो बचे हुए हैं वो सारे खट्टे फलों में आता है। पाइनएप्पल है, ऑरेंज है, या फिर पपीता, या फिर अनार, जो भी चीज़ें हैं। पपीता कुछ जने सुबह खाते हैं लेकिन उससे भी किसी किसी जने को गैस हो जाती है, इसलिए हमेशा हम मीठे फलों में तीन को ही रिकमेंड करते हैं कि एप्पल, चीकू और केला, ये तो मीठे फलों में सुबह आ जाएंगे। और उसके बाद में अंगूर, पाइनएप्पल और ऑरेंज और जो भी अनार वगैरह जितने भी फल हैं वो शाम के लिए हो जाते हैं और वो खट्टे फलों में आ जाते हैं। दो तरह के फल हो गए। और सब्जियां अगर हम देखते हैं तो वो तीन तरह की होती हैं और हमको तीनों तरह की सब्जी डेली रूटीन में खानी चाहिए। किसी भी रूप में खाओ, भले आप चटनी के रूप में खाओ, पराठे के रूप में खाओ, या फिर किसी चीज़ के ऊपर लगा के खाओ, जैसे आप चाइनीज़ वगैरह कुछ खा रहे हो उसमें डाल के खाओ, या मतलब पिज़्ज़ा पे डाल के खाओ, किसी भी रूप में खाओ, लेकिन सब्जियों को, तीन तरह की सब्जियों को किसी न किसी रूप में हमको खानी चाहिए। तीन तरह की सब्जियां कौन सी होती हैं? पहली है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मतलब हरी पत्तेदार सब्जियां। हरी पत्तेदार सब्जियां मतलब पालक, बथुआ, मेथी, जो भी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं वो हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में रखेंगे। उसके बाद में दूसरी है कंदमूल, रूट्स एंड ट्यूबर्स। रूट्स एंड ट्यूबर मतलब जड़, कंदमूल वाली, जैसे आलू है, रतालू है, अरवी है, मूली, गाजर, तो इनको ये जड़ वाली सब्जियां हैं। तो जड़ वाली सब्जी हमको पूरे दिन भर में एक बार तो खानी ही है, भले आप आलू खा लो, रतालू खा लो, या अरवी या प्याज, किसी भी चीज़ को हम किसी भी रूप में ले सकते हैं। जरूरी नहीं हम सब्जी के रूप में ही ले, आप किसी भी चीज़ में आप उसको डाल दो, आप भले सूप में डाल दो, भले पराठे के अंदर डाल दो। तो इस तरह से ये दूसरी तरह की सब्जी हो गई रूट्स एंड ट्यूबर्स, कंदमूल की। फिर तीसरी तरह की है अदर वेजिटेबल्स, अन्य सब्जियाँ। तो जो इनके अलावा बची है वो सब अन्य सब्जियां हुई, जैसे टिंडा है, भिंडी है, लौकी, तुरई, बैंगन, करेला, जितनी भी सब्जियां हैं वो अन्य सब्जियों में आ जाती है।
तो हमको हरी सब्जी अगर हम खा रहे हैं तो वो हमने चटनी के रूप में मान लो खा ली, जड़ मूल वाली जो है उसमें एक आलू किसी भी सब्जी में हम डाल देते हैं वो हो गया हमारा, और अन्य सब्जियों को हम सूप के रूप में ले सकते हैं, भरवा सब्जी के रूप में ले सकते हैं, गीली सब्जी रसे वाली की सब्जी के रूप में, सूखी सब्जी के रूप में ले सकते हैं और सलाद के रूप में भी खा सकते हैं। तो इस तरह से फल और सब्जियाँ किसी भी पौधे और पेड़ के भाग हैं, लेकिन हमें फलों में खट्टे और मीठे फल दोनों प्रतिदिन खाने चाहिए। सब्जियों में तीन तरह की सब्जियां हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, रूट्स एंड ट्यूबर्स एंड अदर वेजिटेबल, हरी पत्तेदार सब्जियां, कंदमूल की सब्जी और अन्य सब्जियां, ये हमें प्रतिदिन हमको प्रतिदिन खानी चाहिए हर व्यक्ति को। उसके बाद में फल और सब्जियों को हम प्रोटेक्टिव फूड्स कहते हैं, यानी रक्षात्मक भोज्य पदार्थ। रक्षात्मक भोज्य पदार्थ हम इसलिए कहते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को क्योंकि इनमें इतना अधिक ऐसा प्रोटीन फैट नहीं होता, लेकिन इसमें विटामिन और मिनरल बहुत अधिक पाए जाते हैं। पर्याप्त मात्रा में विटामिन और खनिज लवण पर्याप्त मात्रा में हमको पाए जाते हैं, स्पेशली विटामिन बी और सी इसमें बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। और बी और सी के लिए मैं आपको बता दूं कि ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है। जब हम विटामिन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब मैं वहां बताऊंगी कि विटामिन्स दो तरह के हैं, एक वसा में घुलनशील एक जल में घुलनशील। तो वसा में घुलनशील वाले, तो फिर वसा जब तक हमारे शरीर में है और हमने वसा में घुलनशील वाला विटामिन खा रखा है तो वो हमारे शरीर में रहता है, मान लो महीने भर भी नहीं खाया, 15 दिन भी नहीं खाया तो एकदम बीमारी के लक्षण नहीं दिखाई देते। लेकिन वाटर सॉल्युबल विटामिन जो है विटामिन बी और विटामिन सी, और विटामिन सी तो एक ही तरह का है लेकिन विटामिन बी बहुत सारे तरह के हैं, इसीलिए हम उसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो हमको विटामिन बी और सी प्रतिदिन खाना है। आज जो हमने खाया है वो कल तक हमारे शरीर से यूरिन के रूप में निकल गया, तो हमको दूसरे दिन का वाटर सॉल्युबल विटामिन दूसरे दिन ही खाना है। इसलिए हमको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स डेली खाने होते हैं क्योंकि उसमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन बी और विटामिन सी जो कि जल में घुलनशील विटामिन होते हैं प्रतिदिन हमारे शरीर से निकल जाते हैं, प्रतिदिन हमको लेने होते हैं। उसमें फल और सब्जियां रिच यानी गुड सोर्सेज होते हैं, इसीलिए हम इनको रक्षात्मक भोज्य पदार्थ यानी प्रोटेक्टिव फूड स्टफ्स भी कहते हैं। और विटामिन और मिनरल के अलावा, विटामिन और खनिज लवणों के अलावा एक चीज और मिलती है इसमें, कार्बोहाइड्रेट भी पर्याप्त मात्रा में सब्जी और फलों में प्राप्त होता है। और वो किस प्रकार से होता है, अब आप यहाँ देखेंगे कि इसका कॉम्पोजिशन, जैसे पहला है कार्बोहाइड्रेट, फल और सब्जियों में जो कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं वो होते हैं सुक्रोज, दूसरी तरह का होता है स्टार्च, तीसरी तरह के होते हैं सेल्यूलोज और पेक्टिन। मतलब ये चार तरह के कार्बोहाइड्रेट बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। जैसे सुक्रोज है, तो सुक्रोज हम मीठी चीज को, चीनी को कहते हैं कि गन्ने के रस से जो चीनी बनी शक्कर बनी उसको हम सुक्रोज कहते हैं। तो सुक्रोज नामक जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो जो मीठे फल होते हैं, अंगूर है, चीकू है, गन्ना है, इन सबको जब हम खाएंगे तो हमको सुक्रोज नामक कार्बोहाइड्रेट यानी डायसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट हमें हमारे शरीर में प्राप्त होता है। दूसरा है स्टार्च, स्टार्च में जो भी हम सब्जियां, आलू है, रतालू, अरवी, इन सब्जियों को जब हम खाते हैं तो हमको स्टार्च हमारे अंदर जाता है और स्टार्च जो है वो टूट कर एमाइलेज एक एंजाइम होता है वो इस पर एक्शन करता है, क्रिया करता है, स्टार्च को तोड़ता है और फिर वो डेक्सट्रीन और माल्टोज में परिवर्तित होता है और फिर जो माल्टोज है वो वापस से माल्टेज एक एंजाइम यानी विकर होता है उससे वापस माल्टोज दो में परिवर्तित होता है, दो ग्लूकोज यूनिट में यानी ग्लूकोज में परिवर्तित हो गया। तो ये जो हमने आलू रतालू जो भी हमने खाया तो जो स्टार्च हमारे अंदर गया वो ग्लूकोज में परिवर्तित हो गया और ग्लूकोज हमें काम करने की शक्ति, सोचने की शक्ति देता है। तो कार्बोहाइड्रेट में सुक्रोज बहुत अच्छी मात्रा में फ्रूट्स से मिलते हैं, स्टार्च कई सारी सब्जियों से मिलते हैं। फिर होता है सेल्यूलोज,
सेल्यूलोज मैंने पहले भी बताया शायद किसी एक दो क्लास में, अभी वापस बताती हूँ कि सेल्यूलोज एक तरह का पॉलीसेकेराइड है। मतलब जब हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे तो उसमें बताऊंगी मोनोसेकेराइड होते हैं, डाइसेकेराइड होते हैं, पॉलीसेकेराइड होते हैं। पॉलीसेकेराइड में चार तरह के पॉलीसेकेराइड होते हैं, ग्लाइकोजन होता है, स्टार्च होता है, डेक्सट्रीन होता है और सेल्यूलोज होता है। तो जो ये सेल्यूलोज वाला कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसेकेराइड है, स्पेशली मैं सेल्यूलोज की बात कर रही हूँ कि सेल्यूलोज को पचाने वाला जो एंजाइम होता है वो होता है सेल्यूलेज। और सेल्यूलेज एंजाइम हमारे शरीर के अंदर नहीं पाया जाता, मतलब मनुष्यों के अंदर नहीं पाया जाता, लेकिन सेल्यूलेज एंजाइम जानवरों के अंदर पाया जाता है, जैसे गाय है, बैल है, बकरी है। अगर वो सेल्यूलोज एंजाइम, सेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट किसी रूप में खाते हैं तो उनको सेल्यूलोज टूट टूट के ग्लूकोज दे देगा, और उनको जब ग्लूकोज मिलेगा तो उनको दौड़ने की, भागने की, उठने की, जो भी उनको एनर्जी की जरूरत है वो सेल्यूलोज से, गाय, बैल, बकरी, इनको मिल जाती है। लेकिन जब हम सेल्यूलोज खाते हैं तो हमें क्या फ़ायदा? हमें ये फ़ायदा होता है कि हम जब कच्ची सब्जियां वगैरह खा रहे हैं या सब्जियों के छिलके कम हटाते हैं तो वो जो छिलके हम अंदर खाते हैं तो वो हमारे शरीर में रेशे का रूप होते हैं, फाइबर। फाइबर होता है जो हमारे शरीर में पहुंच जाता है, और ये फाइबर जो है एक तो पानी को ज़्यादा रिक्वायर करता है, पानी और रेशे और ये सब जब हमारे पेट में जाते हैं तो एक तो पेट जल्दी भर जाता है तो मोटे नहीं होते हैं, दूसरी बात ये है कि ये रेशा पचता ही नहीं है तो ये रेशा जो है वो मल के द्वारा बाहर निकाला जाता है, इसलिए मल का आकार बढ़ जाता है और जो मल निकलने का, मल विसर्जन का जो टाइम होता है वो भी कम हो जाता है। मतलब कब्ज जो है, कब्ज वाली स्थिति होती ही नहीं है। कॉन्स्टिपेशन को हटाने के लिए रेशे खाने चाहिए, रेशे मतलब सेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए, और सेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट कच्चे फल और सब्जियों में और छिलकों में होता है। तो इसको खाने से व्यक्ति मोटा नहीं होता, उसके अंदर कब्ज नहीं रहती, हृदय की बीमारी नहीं रहती, कई सारी चीज़ें, कई सारी बीमारियां जो है वो हट जाती हैं, लेकिन सेल्यूलोज पचता नहीं है मनुष्य के शरीर में। चौथा है पेक्टिन। पेक्टिन जो होता है उसमें कोई वैल्यू नहीं होती है, फूड वैल्यू कुछ भी नहीं है, भोजन मूल्य उसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन जब आप देखते होंगे कि कोई फ्रूट को अपन पकाते हैं, स्पेशली मैं एक एग्जांपल दूँ कैरी का, कि गर्मियों में जब कैरी आती है तो कैरी को छील के अपन उसको छोंक देते हैं, छोंकने के बाद में वो अभी तो मतलब थोड़ा हार्ड कलर ही है उसका, लेकिन जैसे ही हम उसमें चीनी डालते हैं, फिर आप चीनी डालते हैं, पानी, मसाला सब डाल देते हैं, स्पेशली चीनी जब डालते हैं, शक्कर जब डाल रहे हैं, तब खट्टी तो वो खुद है कैरी, और शक्कर जैसे ही डलती है तो आप देखो कि वो जो कैरी की फांके हैं वो ट्रांसपेरेंट सी दिखाई देने लगती है, ऐसे बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, मतलब ऐसे चिकनी चिकनी सी दिखाई देने लगती है, लगता है कि हाँ वो बन गई, मतलब जैसे जैसे बनती है, पकती है, वैसे वैसे वो ट्रांसपेरेंट हो जाती है। और वो तभी होगी जबकि जो कैरी है वो थोड़ी पकी हुई हो, अगर कच्ची होगी तो वो ट्रांसपेरेंट नहीं बनेगी। पकी हुई में वो क्यों ट्रांसपेरेंट होगी? क्योंकि पकी हुई में ये जो पेक्टिन नामक कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट भी दो तरह के हैं, होमोपॉलीसेकेराइड और हेट्रोपॉलीसेकेराइड। तो पेक्टिन एक हेट्रोपॉलीसेकेराइड है, इसमें सिर्फ ग्लूकोज नहीं होता, ग्लूकोज के अलावा और भी चीज़ें, यूरोनिक एसिड वगैरह और भी चीज़ें होती है। तो जिसमें, जिस भी फ्रूट और सब्जी में पेक्टिन की मात्रा ज़्यादा होती है वो थोड़ा ट्रांसपेरेंट दिखाई देने लगता है, लेकिन थोड़ी एसिड, मतलब एसिड खुद है, और अगर नहीं है तो एसिड भी डालो, और मतलब कोई भी खट्टी चीज़, और चीनी भी डालो, शक्कर भी डालो, तो उन तीनों चीज़ों के मिश्रण से वो थोड़ी ट्रांसपेरेंसी जैसी, आर पार दिखने जैसी सी चीज़ हो जाती है, और वो हाई पेक्टिन के कारण होता है। पेक्टिन का कोई फूड वैल्यू नहीं है, लेकिन वो भी हमारे मतलब मल विसर्जन और इन सब के लिए बहुत ज़रूरी है, और अगर पेक्टिन हम अच्छा खाते हैं तो मोटे भी नहीं होते हैं। और पेक्टिन एप्पल में, अमरूद में, सभी फ्रूट्स और इनमें होता है, लेकिन पके हुए में होता है। हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि पके हुए फल
फूलों में पेक्टिन होता है, और फिर जो ये पकी हुई जैसे एप्पल है तो एप्पल को छील लिया, उसके जो गूदा है उसको मिक्सी करके और फिर उसमें जितना चीनी डालना है 70% वो डाल के अपन हिलाएंगे तो वो जैम जेली बन जाती है। वैसे ही हमारा अमरूद का कर सकते हैं, लेकिन अगर ये कच्चा अमरूद होगा, कच्ची एप्पल होगी, तो कोई जेली नहीं बनेगी। बाकी आपने जैम जेली देखा होगा, बड़ी ट्रांसपेरेंट सी होती है, चटनी सी, उसको अगर हम चक्कू से ब्रेड वगैरह पे, रोटी पे लगा के और अपन रोल करके खाते हैं, और या फिर कोई ऊपर से सजाते हैं किसी चीज़ को तो भी सुंदर लगते हैं। तो वो जैम जेली जो है वो किसी भी फ्रूट वेजिटेबल से बनती है, लेकिन उसमें पेक्टिन नामक कार्बोहाइड्रेट हाई मात्रा में होना चाहिए। तो फल और सब्जियों में कार्बोहाइड्रेट्स कौन कौन से पाए जाते हैं? सुक्रोज, स्टार्च, सेलुलोज और पेक्टिन। उसके बाद में हम विटामिन्स की बात करें तो विटामिन जो होते हैं वो फल सब्जियों में बहुत सारे पाए जाते हैं, और बहुत सारे में हम ये कहेंगे एक होते हैं फैट सॉल्युबल, वसा में घुलनशील, एक होते हैं जल में घुलनशील। तो वसा में घुलनशील में विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में फल सब्जियों में पाया जाता है, लेकिन विटामिन ए के दो तरह के रूप होते हैं। एक विटामिन ए तो रेटिनॉल होता है जो दूध वगैरह में होगा और वो डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो जाता है, लेकिन दूसरा विटामिन जो है वो प्रो विटामिन ए होता है, मतलब उससे विटामिन ए बनता है और हम उसको कहते हैं कैरोटीन। तो ये जो कैरोटीन है वो सब्जियों में और फलों में कैरोटीन के रूप में विटामिन ए पाया जाता है। तो हम इतनी बात क्यों कर रहे हैं, कैरोटीन अगर है विटामिन ए है तो है नहीं, हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर 4 माइक्रोग्राम कैरोटीन हम खाएंगे तो 1 माइक्रोग्राम ही रेटिनॉल वो बन पाता है, मतलब रेटिनॉल हम 100 माइक्रोग्राम खाएंगे तो 100 ही एब्जॉर्ब होता है, लेकिन अगर हमको 100 माइक्रोग्राम रेटिनॉल खाना है तो हमको 400 माइक्रोग्राम कैरोटीन खाना चाहिए। मतलब बहुत सारी हरी सब्जी और पीले फल और ये सब खाएंगे तो बहुत सारा हमको कैरोटीन मिलेगा, तब जाके वो 1/4 हो जाएगा जब अंदर एब्जॉर्ब होएगा विटामिन ए के रूप में। तो विटामिन ए के रूप में कैरोटीन जो है वो लाल, पीले, हरे फल और सब्जियों में हमको इनसे प्राप्त होता है, और ये कैरोटीन विटामिन ए में बदल जाता है हमारे शरीर में, जितना हमको विटामिन ए चाहिए वो इससे पूरित हो जाता है। उसके अलावा जो विटामिन जल में घुलनशील विटामिन है वो फल सब्जियों में बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन बी में बहुत सारे हैं, थायमिन, राइबोफ्लेविन, नायसिन, स्पेशली राइबोफ्लेविन जो होता है विटामिन बी, वो हरी सब्जियों में बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। यहाँ मैं इसलिए इसको कह रही हूँ क्योंकि राइबोफ्लेविन जो है वो अगर उधर जानता हुए सोर्सेज में देखें, एनिमल सोर्सेज में, तो दूध में राइबोफ्लेविन बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति दूध नहीं पी पाता है, दूध नहीं अफोर्ड कर पाता है, उसके पास पैसे इतने नहीं हैं, तो राइबोफ्लेविन की उसमें कमी नहीं होगी, क्योंकि वो कमी क्यों नहीं होगी, क्योंकि अगर वो सस्ती हरी सब्जियाँ भी ला रहा है तो हरी सब्जियों से उसको राइबोफ्लेविन मिल जाएगा। तो विटामिन बी हरी सब्जियों में बहुत अच्छी मात्रा में होता है, फलों में भी होता है, और विटामिन सी, बी और सी दोनों जल में घुलनशील है, तो सी भी खट्टे फलों में और सब्जियों में भरपूर मात्रा में होता है। जितने खट्टे फल हैं, ऑरेंज है, पाइनएप्पल है, अनार है, इन सब में पाया जाता है। सब्जियों में अगर आप देखो तो टमाटर है, और फलों में अमरूद, और सबसे ज़्यादा विटामिन सी किसमें होता है? आंवले में। मतलब अगर 100 ग्राम हमने आंवला खा लिया तो करीब 600 मिलीग्राम हमको एक ही बार में विटामिन सी मिल जाता है, जबकि हमको एक दिन में सिर्फ 40 मिलीग्राम विटामिन सी की ज़रूरत है। तो अगर हमने ज़्यादा भी खा लिया तो आज का आज निकल जाएगा, कल का तो हमको कल ही खाना पड़ेगा, क्योंकि ये जल में घुलनशील है। इसीलिए तो हमको फल और सब्जियाँ प्रतिदिन खाने चाहिए, क्योंकि हमको जल में घुलनशील वाले विटामिन जो है प्रतिदिन लेने पड़ते हैं। तो जितने लाल, पीले, हरी फल और सब्जियां हैं,
जितने ये खट्टे फल और सब्जियां हैं उनमें विटामिन सी प्राप्त होता है, और लेकिन विटामिन सी जो है वो कई बार नष्ट हो जाता है अगर इसको बहुत देर तक काट के छील के और ऐसे फैला देते हैं, तो वो उड़ भी सकता है, नष्ट भी हो सकता है। इसलिए जितना जल्दी हम बड़ा बड़ा पीस काट के जल्दी से पका के खाएंगे तो उतना ही हमको विटामिन जल्द अच्छी मात्रा में मिलता है। नेक्स्ट है इसमें मिनरल्स, मतलब खनिज लवण। फल और सब्जियों में कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन यानी लोह तत्व, सोडियम और पोटेशियम ये सबसे अधिक मात्रा में प्राप्त होते हैं। सोडियम और पोटेशियम जो है वो हमारे जो बॉडी की जो सेल्स होती है, कोशिकाएं होती हैं, उसमें अंतरकोशिकीय जल होता है एक पता, तो उस जल में भी सोडियम पोटेशियम इनकी कमी नहीं होनी चाहिए। कभी कभी हमें बहुत ज़्यादा उल्टी दस्त और ये सब हो जाते हैं तो सोडियम की कमी हो जाती है, तब हमको नींबू पानी या फिर ऐसे कुछ पीना पड़ता है, ओआरएस का घोल जिसमें चीनी भी हो नमक भी हो। तो सोडियम पोटेशियम अगर हम फल और सब्जियां रोज खाएंगे तो हमें सोडियम पोटेशियम इनकी कमी कभी भी नहीं होगी। और उसके अलावा आयरन, जितनी हरी सब्जियां हैं उनमें हमको बहुत अच्छी मात्रा में आयरन मिलता है। हाँ ये है कि आयरन एब्जॉर्ब इतना नहीं हो पाता है क्योंकि आयरन में हीम और नॉन हीम जो आयरन होते हैं तो उसमें जो एक जो फेरस और फेरिक आयरन जो होता है, तो ये फेरिक आयरन है, और अगर हम खट्टा खाएंगे उसके साथ विटामिन सी खाएंगे तो फेरिक आयरन फेरस में बदल जाएगा और फिर हमको वो आराम से एब्जॉर्ब हो जाएगा, अवशोषित हो जाएगा। उसके अलावा कैल्शियम और फास्फोरस जो हैं वो भी हमारे शरीर में मिलते तो बहुत हैं, मतलब खाना तो हमने फ्रूट्स वेजिटेबल से ले लिया लेकिन वो फाइटेट और ऑक्सैलेट्स के रूप में होते हैं, इसलिए थोड़ा अवशोषण में दिक्कत आती है। लेकिन अवशोषण के लिए कुछ चीज़ें होती है, जैसे आप प्रोटीन खाओ या फिर कोई भी खट्टी चीज़ विटामिन सी खाओ, तो वो सब लेने से ये सब अवशोषित हो जाते हैं। तो इस तरह से ये फल और सब्जियों में पाए जाने वाले पोषक तत्वों के नाम और उनके बारे में था। उसके बाद में हम वर्णक यानी पिगमेंट्स के बारे में बात करेंगे। पिगमेंट्स क्या होते हैं? पिगमेंट्स मतलब वर्णक यानी कलर। जो भी फ्रूट और वेजिटेबल हम देखते हैं, हम कहते हैं हाँ बिल्कुल लाल लाल रंग की हमको गाजर देना या लाल लाल रंग के टमाटर देना, हम यूं कभी नहीं कहते पीले पीले टमाटर देना या हरे हरे टमाटर देना या ऑरेंज कलर के देना या पर्पल कलर के देना। नहीं, हम पर्पल कलर का तो हमको बैंगन चाहिए, सफ़ेद कलर की हमको मूली चाहिए, लाल कलर का हमको गाजर और टमाटर चाहिए, हरा बिल्कुल हरा सघन हो तो हमको हरी सब्जियां चाहिए। हम वही कलर बोलते हैं जो हमने शुरू से देखा है और एक्चुअल में जो होता है। तो ये किस लिए होता है? क्योंकि उसके अंदर एक वर्णक होता है, एक पिगमेंट होता है अपने आप में उस सब्जी में, जो कि वो वर्णक के कारण वो कलर दिखाई देता है। जैसे कैरोटीनॉइड्स जो हैं वो एक तरह के पिगमेंट हैं, एक तरह का वर्णक है जो कि लाल पीला नारंगी कलर देता है। किसको? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को, जो भी फल और सब्जियां टमाटर ऑरेंज पपीता आम ये सब है ना, लाल पीली नारंगी ये जो सब फल और सब्जियां हैं उनमें हमको कैरोटीनॉइड पिगमेंट, कैरोटीनॉइड वर्णक मिलता है। दूसरा है एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन जो वर्णक है वो हमारी फल सब्जियों को बैंगनी और नीला कलर देता है, जैसे बैंगन है, लीची है, इन सबको ये बैंगनी और नीला कलर देता है। तीसरा है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल हरा कलर देता है किसी भी फ्रूट और वेजिटेबल्स को, तो अगर हरे कलर का है तो वहाँ क्लोरोफिल है, अगर लाल पीला नारंगी है तो कैरोटीनॉइड पिगमेंट है, अगर बैंगनी नीला कलर है फ्रूट वेजिटेबल में तो वो एंथोसाइनिन पिगमेंट यानी वर्णक होता है। अब इन फल और सब्जियों को हम किस प्रकार खा सकते हैं? हम कच्ची खा सकते हैं, सलाद के रूप में खा सकते हैं, सूप के रूप में खा सकते हैं, अचार के रूप में, मुरब्बे के रूप में, चटनी के रूप में, भरवा पराठे के रूप में, जैम जेली शरबत। और अगर ऐसा है कि बहुत सारी हरी सब्जी हो रही है, बहुत सारा धनिया पुदीना बन रहा है और बहुत सस्ता मिल रहा है,
तो हम ये कर सकते हैं, हम उन सब्जियों को धो के सुखा के और डिब्बे में भर के रख दें, तो साल भर तक हम उन सब्जी और जो भी फल हैं जो सुखा रखे हैं, एप्पल को भी काट के सुखा सकते हो और आंवले को भी काट के सुखा सकते हो, कोई से भी फ्रूट एंड वेजिटेबल को धो अच्छे से काट के और बढ़िया ऐसे धूप में नहीं छाया में अगर हम सुखा के रखते हैं तो हमको वो साल भर तक अवेलेबल होती हैं। तो आज जो अभी हमने पढ़ा वो है फल एवं सब्जियां, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्रोटेक्टिव फूड्स होते हैं, यानी रक्षात्मक भोज्य पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर को विटामिन और खनिज लवण प्रदान करते हैं। फल और सब्जियां पेड़ और पौधे के कई सारे भाग होते हैं, भले वो जड़ होता है, पत्ती होती है, फल, बीज, फूल, कई सारे ये पार्ट्स होते हैं। उसके अलावा जो फल होते हैं वो करीब दो तरह के होते हैं, मीठे और खट्टे, जो हमें प्रतिदिन खाने चाहिए। सब्जियां तीन प्रकार की होती है, हरी पत्तेदार सब्जियां, कंदमूल और अन्य सब्जियां, ये भी तीनों प्रकार की सब्जी हमें प्रतिदिन खानी चाहिए। उसके अलावा हम देखते हैं कि कई सारे इसमें पोषक तत्व मिलते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में, जैसे कार्बोहाइड्रेट के रूप में सुक्रोज या फिर सेल्युलोज या पेक्टिन और या फिर सेल्युलो स्टार्च। तो ये सुक्रोज, स्टार्च, सेल्युलोज और पेक्टिन, ये सब तरह के कार्बोहाइड्रेट हमें फल सब्जियों से मिलते हैं। विटामिन्स में हमको विटामिन ए प्राप्त होता है जो कि वसा में घुलनशील है कैरोटीन के रूप में, और दूसरा जल में घुलनशील विटामिन बी और सी वो पर्याप्त मात्रा में रहते हैं। खट्टे फलों में विटामिन सी बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है, और अगर खनिज लवण में देखें तो बहुत सारे खनिज लवण प्राप्त होते हैं फल सब्जी से, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, सोडियम और पोटेशियम, लेकिन इनमें कुछ ऑक्सलेट्स और फाइटेट के रूप में हो जाते हैं, तो इनका अवशोषण थोड़ी उसमें बाधक हो जाता है, दिक्कत आती है। लेकिन उसको भी ठीक करने के लिए अगर हम विटामिन सी खा लेते हैं या प्रोटीन खा लेते हैं तो वो भी बाधक कारक नहीं रहते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का जो कलर होता है वो किसी वर्णक यानी पिगमेंट के कारण होता है, वो पिगमेंट और वर्णक उस फ्रूट और वेजिटेबल में रहता है इसलिए उसका कलर दिखता है। जैसे जो भी हरी फल और सब्जी है वो हरा कलर इसलिए क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पिगमेंट यानी वर्णक पाया जाता है। जितने भी बैंगनी और नीले कलर के फल सब्जी हैं उसमें एंथोसाइनिन पिगमेंट होता है, जितने भी लाल पीले नारंगी फल और सब्जी हैं उसमें कैरोटीनॉइड पिगमेंट पाया जाता है। अब ये जो फल और सब्जियां हैं वो हम कई रूप में खा सकते हैं, जैम, जेली, शरबत, सूप, अचार, मुरब्बा, शरबत, सब्जी, किसी भी रूप में हम फल और सब्जियों को खा सकते हैं। और अगर ज़्यादा उत्पादित होती हैं और अगर सीजन में ज़्यादा और सस्ती आती हैं तो हम उनको सुखाकर और साल भर भी खा सकते हैं। इस तरह से ये फल और सब्जी का चैप्टर कंप्लीट हुआ, और इसी में फूड स्टफ्स में ही और थोड़ा फूड स्टफ बचा हुआ है वो नेक्स्ट मिलेंगे। थैंक यू।